जगतगुरु निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य श्री जी महाराज ने कहा कि भक्ति से ही जीवन की सफलता और सार्थकता संभव है। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। महाराज श्री ने कहा कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। वे ब्यावर के देलवाड़ा रोड राजमार्ग स्थित गोकुल ग्रीन पर्ल आनंदा में स्वर्ण गंगा परिवार की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं का कथा का रसास्वादन करा रहे थे। महाराज श्री ने कथा का शुभारंभ करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म्य पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान का चिंतन और मनन करने से जीवन सफल और सार्थक होता है। आज के इस युग में भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही सुगम साधन और माध्यम है। यह कथा चित्त का आध्यात्मिक मनोरंजन करती है, अर्थात यह कथा चित्तरंजन है। देवाचार्य ने कहा कि इंसान को मनुष्य रूपी देह प्राप्त होना सरल नहीं है। जीव को कई योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर यह देह प्राप्त होती है, लेकिन इंसान है कि इस देह की महत्वता को समझ ही नहीं पाता है। यह देह अति दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। इसे भक्ति मार्ग के जरिए ही सार्थक किया जा सकता है। उनका कहना था कि इंसान मूल लक्ष्य से भटक कर सांसारिक मोह में उलझता ही जा रहा है, जिसके कारण परमात्मा ने उसे जो सुअवसर दिया उसका वह सदुपयोग नहीं कर पाता है। कथा प्रारंभ होने से पूर्व रविशंकर शास्त्री, पवन शास्त्री एवं अशोक निम्बार्क ने मंगलाचरण किया। ऑस्ट्रेलिया से आए मनमोहन तोषनीवाल, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, रायपुर तहसीलदार सर्वेश्वर निम्बार्क, आयोजक परिवार के गणपत सर्राफ, संजय गर्ग, गौरव अग्रवाल, केशव सर्राफ, विवेक अग्रवाल, बड़ौदा से प्रमोद धर्मेंद्र सिंघल, नेमीचंद सर्राफ, अनिल सर्राफ, सुमित सारस्वत, हंसराज शर्मा ने व्यासपीठ का पूजन कर आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पूर्व सतपुलिया स्थित रघुनाथ जी के मंदिर से विशाल कलश एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा रघुनाथ मंदिर से शुरू की गई, जिसमें से सबसे आगे हाथों में भगवा ध्वज लिए चार घुड़सवार, सुमधुर स्वर लहरिया बिखेरता बैंड, सिर पर मंगल कलश धारण किए महिलाएं मंगल पोथी धारण कर चलते पुरुष आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा में शहर सहित दूर दराज से आए भक्तगणों ने बड़ी संख्या में शामिल हुए। यात्रा का मार्ग में स्वागत द्वार बनाकर समाजसेवी संस्थाओं की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।